वेलकम फ्रेंड्स, आपका अपना चैनल ट्रेड स्टॉक लाइव इन हिंदी में। और आज मैं बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक में डिस्कस करूंगा, वो है मल्टीकैप फंड में आपको कैसे निवेश करना चाहिए। इन द ईयर 2020 में आप कौन सा मल्टीकैप फंड्स अच्छा परफॉर्म करने का पोटेंशियल रखता है, 2019 में कौन सा मल्टीकैप कैटेगरी में फंड्स अच्छा रहा, वो सब डिस्कस करेंगे। और बहुत इम्पोर्टेंट बात हम डिस्कस करेंगे कि एसआईपी के जरिए अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो उसका रिटर्न्स कैसे रहा 3 इयर्स, 5 इयर्स और 10 इयर्स में, और इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न्स आपको कैसा मिलेगा। हाँ दोस्तों, इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न्स हम लोगों को देखना है, नॉट द एब्सोल्यूट रिटर्न। वहाँ पे ही हम लोग गलती करते हैं, तो उस बारे में हम देखेंगे। वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि मैं पहले वीडियो में फंड का कैटेगरी के बारे में बात करेंगे और उसके बाद मैं एसआईपी कैलकुलेटर ओपन करके आप लोगों को कैलकुलेट करके दिखाने वाला हूं कि कितना रिटर्न्स इन्फ्लेशन एडजस्टेड आपको बन सकता है मल्टीकैप फंड में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, शेयर और लाइक जरूर करना। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। देखिए, पहले जान लेते हैं कि मल्टीकैप फंड्स क्या होता है। आप जैसे कि नाम सजेस्ट करते हैं, मल्टीकैप फंड्स मींस वो फंड में आपका मिड कैप, लार्ज कैप, स्मॉल कैप, ये तीनों जो शेयर है, जो स्टॉक का कैटेगरी रहता है, वो सभी का ब्लेंड रहता है ये मल्टीकैप फंड्स में। ठीक है, ये जो वेबसाइट है आप लोग जानते हैं, वैल्यू रिसर्च ऑनलाइन में मैं दिखा रहा हूँ। पहले बोल दूं कि ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है। यहाँ पे जो भी फंड्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे वो कुछ रिकमेंडेशन नहीं है। आप लोग अपना खुद का नॉलेज यूज करके फंड को चूज करेंगे। मैं सिर्फ आपको कैलकुलेशन में मदद करूंगा कि कैसे आप लोग, कौन सा चीज आपको मिस होता है और कौन सा चीज को आपको ध्यान देना है, उसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वैल्यू रिसर्च का जो अगर फर्स्ट पेज में आप आएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मल्टीकैप फंड का जो कैटेगरी है वहाँ पे अगर देखेंगे तो लॉन्ग टर्म में आप देखेंगे कि 1 ईयर में ये 9.78 ये कैटेगरी रिटर्न है, देन 3 इयर्स में 12.2%, 5 इयर्स में 8.5 और 10 इयर्स अगर लंबे अवधि तक कोई इसमें बने रहें तो लगभग 11% रिटर्न्स एक्सपेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, हालांकि ये मार्केट रिलेटेड है। अगर हम इसमें जाएंगे मल्टीकैप फंड में कैसे आप लोगों को चुनाव करना है वो मैं बोल देता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बहुत सारा फिल्टर्स लगा हुआ होगा, तो आप इस ये 1 स्टार, 2 स्टार, ये अनरेटेड, ये सबको आप निकाल सकते हैं। ठीक है, बेस्ड ऑन रेगुलर और डायरेक्ट, वो भी आप देख सकते हैं। मैं फिलहाल के लिए रेगुलर प्लान्स को ड्रॉप करता हूँ, तो ये फिल्टर 3 स्टार को भी निकाल देते हैं, 4 स्टार और 5 स्टार में हम देखते हैं, इसको भी ज़रूरत नहीं है, एक्सक्लूडेड प्लान्स। तो देखिए, फिर आपको ये कैटेगरी में मिल जाएगा कि ये सॉर्ट आउट कर देगा कि यहाँ पे टॉप परफॉर्मिंग फंड्स ये कैटेगरी में, मल्टी कैप कैटेगरी में कौन कौन सा म्यूचुअल फंड्स है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन कौन का फंड अच्छा परफॉर्म किया 2019 में। 1 ईयर रिटर्न दिया है, तो आज ये वीडियो बन रहा है जनवरी 1st 2020 में, तो 1 साल में उसका रिटर्न दिया गया है। आप यहाँ पे सॉर्ट कर सकते हैं हाईएस्ट टू लोएस्ट और यहाँ पे रैंकिंग वाइज, तो रैंक इसका 1 है और ये आपका रिटर्न है। देखिए, लेकिन जब आप चूज करेंगे कोई भी म्यूचुअल फंड तो कौन सा बेसिस में आपको चूज करना चाहिए ये भी आपको देखना बहुत जरूरी है। एज अ थंब रूल मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये जो पार्ट रहता है ये पार्ट रिटर्न का है और ये पार्ट है आपका एक्सपेंस रेशियो। ये एक्सपेंस रेशियो क्या होता है, ये जो फंड्स है, कोई भी आप एक फंड्स ले लीजिए, इसमें फंड मैनेजर्स रहता है जो आपका फंड को, आपका जो पैसा है उसको मैनेज करता है, उसको प्रॉपरली इन्वेस्ट करते हैं शेयर्स मार्केट में, शेयर में, या तो उसके लिए वो जो आपके लिए काम करते हैं उसके लिए वो लोग, या फंड जो हाउस रहता है, जैसे कि ये डीएसपी फंड हाउस है, ये एसबीआई फंड हाउस है, ये फंड हाउस आपसे या आपसे कुछ चार्जेस लेता है। जो चार्जेस है वो आपका नेव से ही लिया जाता है।
तो उसको बोलते हैं एक्सपेंस रेशियो, एक्सपेंस चार्जेस। तो आइडियली जितना कम एक्सपेंस चार्ज रहेगा, एक्सपेंस रेशियो रहेगा कोई फंड का, उतना अच्छा रिटर्न वो जनरेट कर सकता है। तो आप जब देखेंगे, आप जब कुछ म्यूचुअल फंड डिसाइड करेंगे कि कौन सा लेना है, वहां पे आप लोगों को देखना है कि रीजनेबल एक्सपेंस रेशियो रहे। ठीक है, रीजनेबल मींस ऐसा भी नहीं कि बहुत कम एक्सपेंस रेशियो है तो ही उसके साथ जाना है या बहुत ज्यादा है तो ही जाना है, ऐसा नहीं है। रीजनेबल रहना चाहिए। और रिटर्न आपको देखना है, ये भी देखना है। रिटर्न 1 ईयर नहीं, आपको 2-3 ईयर, 5 ईयर उसका देखना है, और लॉन्ग टर्म में देखना है। जैसे कि अगर कोई कोई फंड का हिस्ट्री 3 साल 5 साल का है तो वो लॉन्गर पीरियड में आपको देखना है। ठीक है, अब अगर थोड़ा सा आप इस साइड में देखेंगे, अपना लेफ्ट हैंड साइड में, तो यहाँ पे ये मल्टीकैप हमने चूज किया था, इसलिए ये मल्टीकैप कैटेगरी शो कर रहा है आप लोगों के लिए। लार्ज कैप, लार्ज एंड मिड कैप, ये सब कैटेगरीज भी है। मैं धीरे धीरे एक एक का नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा। नेक्स्ट वीडियो में लार्ज कैप के बाद करेंगे, उसके बाद मिड कैप, तो हर एक कैटेगरी को मैं कवर करूंगा। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि कौन सा कैटेगरी आपको चाहिए, मैं उस हिसाब से वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, इसके बाद जो आपका मेन चीज है क्या देखना है, मैं जस्ट एज ए एग्जाम्पल ले रहा हूँ क्योंकि अल्टीमेटली चूज आप लोगों को ही करना है। मैं जो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स आपको देखना चाहिए वो मैं बात करूंगा, और उसके साथ जो मेन आपका SIP कैलकुलेटर्स है उसको कैसे यूज करना है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लीजिए एक्सिस फोकस्ड इक्विटी, ये आप देखिए 16-17% रिटर्न देता है। अगर कोई भी आप म्यूचुअल फंड को जाएंगे तो आप अगर इंडिविजुअल है, आप अगर खुद से इन्वेस्ट कर रहे हैं तो डायरेक्ट प्लान अच्छा है क्योंकि इसमें एक्सपेंस रेशियो नॉर्मली कम रहता है रेगुलर फंड से। तो इसमें अगर ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको SIP में इन्वेस्ट करते लास्ट 3 ईयर्स में हर महीने 10,000 करके तो कितना अमाउंट बनता, उसका एक हिसाब यहाँ पे दिया गया है। तो आपको ये जो डैशबोर्ड है यहाँ पे आना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो इसका बेंचमार्क रहता है, इस जैसे कि इस फंड का बेंचमार्क है S&P BSE सेंसेक्स, जो हमारा सेंसेक्स है उसके हिसाब से, और ये एक्सिस फोकस्ड ये फंड कैसे परफॉर्म किया। तो आप देख सकते हैं ये वाला जो ब्लू वाला कर्व है ये एक्सिस फोकस फंड का है और ये वाला सेंसेक्स का है। तो आप देख सकते हैं सितंबर 19 के बाद ये जो फंड है ये फंड सेंसेक्स को आउट परफॉर्म किया, लेकिन उससे पहले ये अंडर परफॉर्म किया था ये फंड। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट डेटा है जो आपको देखना है। उसके बाद अगर आप नीचे आते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फंड का ट्रेलिंग रिटर्न, जो आपको मैं बोल रहा था कि लॉन्ग टर्म रिटर्न आपको देखना है। लॉन्ग टर्म रिटर्न में आप देखेंगे कि 1 ईयर रिटर्न दिया गया है, 3 ईयर्स रिटर्न एंड 5 ईयर्स रिटर्न। तो आप लोगों को ये करने के लिए 5 ईयर रिटर्न जो रहता है वो बेस्ट रहता है। 5 ईयर्स, 7 ईयर्स, 10 ईयर्स, जितना लंबा फंड का हिस्ट्री रहेगा उतना ही ज्यादा है, अच्छा है। तो 5 ईयर्स में देखिए ये फंड 14% रिटर्न दिया। तो आप कैटेगरी में यहाँ पे रैंकिंग भी देख सकते हैं, रैंक विद इन द कैटेगरी रैंक कितना है और कितना फंड्स, नंबर ऑफ फंड्स वो कैटेगरी में तब था, उसका भी आपको नंबर यहाँ पे दिया जाता है। तो आप कंपेयर कर सकते हैं और उस हिसाब से आप डिसीजन ले सकते हैं। ओके, उसके बाद जो आपको देखना है वर्स्ट पीरियड और बेस्ट पीरियड, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, बहुत सारा लोग इसको स्किप कर जाता है। इसको स्किप नहीं करना है, एकदम भी नहीं। क्यों नहीं करना है? क्योंकि ये देखना है कि बेस्ट जो पीरियड है, आप लोगों को पीरियड पता ही होगा कि मान लीजिए जब बियर मार्केट चलता है 2008, यहाँ पे तो ये फंड तो उतना पुराना नहीं है, अगर 2007-8 का बियर फेज जब था तब उस पीरियड में ये कैसे परफॉर्म किया, और जब बुल पीरियड चल रहा है जैसे कि अभी मार्केट अभी हाई है, हाई में है, ऑल टाइम हाई में लगभग चल रहा है, तो उस टाइम इसका परफॉर्मेंस कैसा है, क्वार्टरली, ईयरली, मंथली, वो वाला पीरियड और वर्स्ट वाला पीरियड में आपको देखना है कंपैरिजन। आइडियली वर्स्ट पीरियड में फंड ज्यादा ना गिर जाए वो आपको देखना है।
तो फंड अच्छा माना जाएगा, और बेस्ट जब टाइम आएगा, जब बुल रन आएगा, तब फंड अच्छा परफॉर्म करे, ये आइडियली होना चाहिए। तो ये भी आपको देखना है। यहाँ पे कुछ रिस्क मेजर हैं। यहाँ पे आप स्टैंडर्ड डिविएशन में ज़्यादा थोड़ा सा आपको देखना है, स्टैंडर्ड डिविएशन और ये अल्फा। अल्फा मतलब जो भी बेंचमार्क है, वो बेंचमार्क को कितना कितना अल्फा मीन्स कितना बाई हाउ मच मार्जिन इट विल आउट परफॉर्म दिस बेंचमार्क, ये आपको दिखाया जाता है। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। और वहाँ पे रैंक विद इन द कैटेगरी पर दिया हुआ है, तो आप ये नंबर ना देख के, एब्सोल्यूट यहाँ पे रैंक देख के भी आप लोग इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि फंड का परफॉर्मेंस कैसा है। ठीक है, अच्छा। और इसके बाद आता है आपका कंसंट्रेशन एंड वैल्यूएशन फॉर एसेट एलोकेशन। यहाँ पे देखिए, टॉप 10 जो स्टॉक्स है वहाँ पे 63% है, टॉप 5 स्टॉक्स में 37% एलोकेशन है, और टॉप 3 सेक्टर्स जो है वहाँ पे 67% एलोकेशन है। ठीक है, इसके बाद ये मल्टी कैप में आपके देखिए, जायंट, लार्ज और मिड कैप में इसका एक्सपोजर है, और स्मॉल कैप में इसका एक्सपोजर नहीं है। तो जो लोग स्मॉल कैप में इन एक्सपोजर चाहते हैं, वो दूसरा फंड को देख सकते हैं, या अपने हिसाब से कंफर्टेबल है तो कुछ भी फंड को देख सकते हैं। बट ये जो पोर्टफोलियो एग्रीगेट्स है, इसको आपको देखना चाहिए। बेस्ड ऑन योर चॉइस आप लोग यहाँ से डिसीशन ले सकते हैं। ठीक है, मेन जो पार्ट है, जो मैं खुद बहुत बारीकी से देखता हूँ, वो है टॉप होल्डिंग्स। टॉप होल्डिंग्स में आपको दिखेगा कि ये जो परसेंटेज ऑफ एसेट है, मान लीजिए 100 करोड़ का इसका फंड का टोटल वैल्यू है, उसमें से 8 करोड़, लगभग 8 करोड़ फंड बजाज फिनेंस वाला शेयर में उसका निवेशित है। इस फंड का ये एसेट एलोकेशन का परसेंटेज ये रेफर करता है। तो आप लोगों का ये वाला पार्ट देखना है कि टॉप होल्डिंग्स में कौन कौन सा शेयर्स है। ओके, HDFC बैंक, आप लोगों जो भी शेयर्स आपको पसंद है, वो सब अगर यहाँ पे देखना चाहिए कि कंस्टिट्यूएंट क्या है, आप कंपैरिजन कर सकते हैं दूसरे फंड से, और अगर आपको अच्छा लगे तो ही आप डिसीजन ले सकते हैं वो फंड को खरीदने के लिए। ठीक है, नीचे आपका आता है फंड मैनेजर, जो आपका फंड मैनेज कर रहे हैं, उसका जो बेसिक इंफॉर्मेशन दिया जाता है, उसका एक्सपीरियंस वगैरह, वो सब आप चेक कर सकते हैं, और उसके बाद आप डिसीजन ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो गया फंड को कैसे देखना है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज है वो अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि कहाँ पे हम लोग गलती करते हैं, जो कैलकुलेशन हम करते हैं, क्योंकि हमको बहुत रोजी चीज दिखाया जाता है कि इतना इन्वेस्ट करेंगे हर महीने तो इतना इन्वेस्टमेंट वैल्यू होगा, लेकिन कोई भी इन्फ्लेशन के बारे में बात ही नहीं करता है। तो आज मैं दिखाऊंगा कि आपको कैसे इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न कैलकुलेट करना है। मैं देखा ये रैंडम, आप अगर गूगल में जाएंगे और सर्च करेंगे कि सिप कैलकुलेटर, SIP कैलकुलेटर विथ इन्फ्लेशन, तो आपको मिल जाएगा। मैं जस्ट एज अ एग्जाम्पल एक बजाज का वेबसाइट से ये सिप कैलकुलेटर ओपन किया हूँ। इसका लिंक मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा, आप वहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। सिप एडवांस्ड कैलकुलेटर है इसका नाम। मंथली इन्वेस्टमेंट अमाउंट, मान लीजिए कोई भी अमाउंट आप दे दीजिए, आप जितना निवेश कर सकते हैं। यहाँ पे मैं 5,000 रुपये देता हूँ मंथली। 10 ईयर, 10 साल या 5 साल, मैं 10 साल लेके चलता हूँ कि यहाँ पे आप 5,000, यहाँ पे 10 ईयर्स, या आपका जो भी इन्वेस्टमेंट ईयर्स है वो आप डालिए। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो मैं मल्टी कैप का जो कैटेगरी है, आपने हमने जो यहाँ पे देखा था वैल्यू रिसर्च में, लगभग 11% था, तो मैंने 11% दिया। और ये मेन चीज है, ये एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इन्फ्लेशन ये आपको डालना है। ये मैंने 4% दिया, 4 to 6% वेरी करता है जहाँ पे, तो वहां पे 4 to 6% आप डाल सकते हैं और कैलकुलेट कर सकते हैं। कैलकुलेट करेंगे, ये अप्लाई ये करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेता है। अगर आप 7% देते हैं
तो ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेते हैं, तो मैं 4% दे के कैलकुलेट करता हूँ। तो देखिए आपका जो निवेशित अमाउंट रहेगा वो 6 लाख रहेगा। अगर हर महीने आप 5,000 रुपये 10 साल तक इन्वेस्ट करते हैं तो इन्वेस्टमेंट वैल्यू बनता है 6 लाख। इज योर मैच्योरिटी अमाउंट 10,84,000 इज योर मैच्योरिटी अमाउंट, बट ये आपको देखना नहीं है, यही मैं आपको बोलना चाहता हूं, ये आपको देखना नहीं है। ओके क्रॉस, ये आपको देखना नहीं है। क्यों देखना नहीं है? क्योंकि ये आपका वैल्यू नहीं होगा जब आपका मैच्योरिटी होगा, क्योंकि इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न आपको देखना है, क्योंकि इन्फ्लेशन तो भैया बढ़ रहा है ना, हर साल 4% 5% इन्फ्लेशन रेट भी बढ़ रहा है। तो इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न अगर आप देखेंगे तो इतना वैल्यू आपका होता है, लगभग 8,65,000 8,65,424 रुपीज। तो ये वैल्यू आपको देखना है, ना कि ये वैल्यू। तो आपका जो प्रॉफिट है वो 2,65,000 है, ठीक है। तो ये आपका मैच्योरिटी वैल्यू है, ये आपको कैलकुलेट करके चलना है और ये आपको दिमाग में रखना है कि आपको ये 10 लाख अमाउंट नहीं मिलेगा, 11 लाख लगभग, 10,84,000। आपका जो वैल्यू होगा वो 8,65,000 ही होगा। मैं बहुत सारा SIP कैलकुलेटर देख रहा था, जैसे कि मान लीजिए आप अगर सिंपल कोई भी यहाँ पे जाएंगे मनी कंट्रोल का, अगर आप म्यूचुअल फंड में पेज में जाएंगे तो एकदम नीचे जब आप आएंगे तो यहाँ पे भी आपका कैलकुलेटर है, यहाँ पे कैलकुलेटर है SIP कैलकुलेटर, रिटर्न्स कैलकुलेटर। आप अगर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इन्वेस्टमेंट प्लान SIP कैलकुलेटर, यहाँ से आप म्यूचुअल फंड चूज कर सकते हैं, यहाँ पे उसका स्कीम नेम आएगा, चूज कर सकते हैं मंथली कितना देंगे अमाउंट, वो भी देख के आप कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन सभी में एब्सोल्यूट वैल्यू दिखाएगा, कहीं पर भी आपको इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न नहीं बताएगा। तो आपको ये चीज ध्यान में देना है कि आपको इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न ही चाहिए, ठीक है। इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न आपको चाहिए, इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न। और यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स सही है, ये वेबसाइट, इसका भी लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान देना है आप लोगों को, तो यहाँ ये वेबसाइट से आप लोग मिल गया कि आपका इन्फ्लेशन एडजस्टेड अमाउंट कितने मिलने वाला है। उससे पहले यहाँ से आपको देखना है, यहाँ पे 3 कैलकुलेटर है, SIP कैलकुलेटर, देखिए SIP कैलकुलेटर में सेम चीज है, आपका एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इंटरेस्ट, इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन और सिप अमाउंट, बस इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट नहीं है। 6 लाख का 10 लाख दिखाएगा, 10,85,000, लेकिन ये अमाउंट आपको मिलने वाला नहीं है, ये अमाउंट मिलने वाला नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपका इन्फ्लेशन जो है वो खा लेगा आपका पूरा पैसा। आपको मिलने वाला है 8 लाख रुपीज, नॉट 10.85। ओके, तो उसके बाद आपको क्या करना है, पहले तो ये कैलकुलेटर यूजफुल नहीं है, ये कैलकुलेटर यूजफुल है, इन्फ्लेशन कैलकुलेटर। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको देखना है कि वैल्यू ऑफ करंट एक्सपेंस, आपका मान लीजिए मंथली कितना एक्सपेंस रहता है घर चलाने के लिए, मान लीजिए 20,000 आपका खर्चा होता है, तो एनुअल इन्फ्लेशन रेट 4% मान के चलिए। टाइम पीरियड मान लीजिए आप 10 साल बाद आपका सेम अगर लाइफस्टाइल रहा तो कितना अमाउंट चाहिए होगा, 10 अगर दिया आपने टाइम पीरियड 10 साल, तो देखिए आपको चाहिए, आज जो 20,000 रुपये आपको जा रहा है 10 साल बाद आपको चाहिए होगा 29,604, लगभग 30,000, ठीक है, लगभग 30,000 रुपये आपको लगने वाला है। तो तब 20,000 से नहीं चलेगा, तब अमाउंट बढ़ जाएगा, 29,000 30,000 अमाउंट आपको चाहिए। तो सिमिलरली ये पहले आप देख लीजिए कि कितना अमाउंट आपको चाहिए। मान लीजिए आपका बेटी और बेटा का शादी है, आपका उसका एडुकेशन है, तो उसके लिए कितना अमाउंट चाहिए वो आज का डेट में वो आप डाल दीजिए यहाँ पे। मान लीजिए आपका हायर एडुकेशन के लिए 1 लाख रुपये चाहिए होगा और वो आपको चाहिए मान लीजिए 15 ईयर्स बाद, तो आपको कितना तब चाहिए 15 ईयर्स बाद, 1 लाख रुपए का वैल्यू तब हो जाएगा 1.8 लाख। वही अमाउंट आप यहां से देखिए,
यहाँ पे उस हिसाब से आप इसको ये अमाउंट को थोड़ा सा चेंज करके यहाँ पे सेम इयर्स, फिर आप 15 इयर्स डाल दीजिए आपका पढ़ाई के लिए। यहाँ पे आप डाल दीजिए 5,000 जो था, तब देखना है कि आपका जो रिटर्न है, आपका जो ये अमाउंट आ रहा है वो लगभग यहाँ से मैच हो रहा है कि नहीं। 1.8 लाख आपको अगर चाहिए होगा तो यहाँ पे उस हिसाब से आप अमाउंट डाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए 2 लाख रुपए मैं 15 साल के लिए रखता हूँ तो मेरा 6,33,000 होता है। तो दैट ये अगर मैं इन्वेस्ट करता हूँ तो अगर मेरा 1 लाख आज खर्चा होता है, यानी 1.8 लाख 15 साल बाद, तो मैं उसको इजीली मीट कर सकता हूँ। तो ये दो कैलकुलेटर आपको यूज करना है देखने के लिए। ये फ्यूचर वैल्यू पहले आप जान लीजिए और उसके बाद ये फ्यूचर वैल्यू को ये कैलकुलेटर से मीट हो रहा है कि नहीं इन विथ इन्फ्लेशन एडजस्टेड, वो देख लीजिए। उसके बाद आप कोई भी वेबसाइट में जाइए, बहुत सारा वेबसाइट है, वैल्यू रिसर्च है, मनी कंट्रोल है, और भी बहुत सारा वेबसाइट्स है। वहां पे जाके आप लोग अपनी तरफ से जो जो भी फंड्स अच्छा लगे, जिसका परफॉर्मेंस मैंने कैटेगरी बोल दिया है कैसे आपको देखना है, चूज करना है, उस हिसाब से आप खुद का डिसीजन लीजिए। लेकिन कैलकुलेशन आपका सही रहना चाहिए तो ही आप सक्सेस पाएंगे, नहीं तो नहीं। और कोई भी वेबसाइट, कोई भी टीवी मीडिया आपको ये बात ज्यादा नहीं बोलेगा कि आपको एक्सपेंस रेशियो क्या है, आपका इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न क्या है, ये आपको कोई भी नहीं बोलेगा। तो इसमें जरा ध्यान दीजिए और इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न कैलकुलेशन ही कैलकुलेट करके चलिए, ठीक है? तो थैंक यू दोस्तों, और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि नेक्स्ट वीडियो आपका कौन सा फंड के ऊपर चाहिए, कौन सा कैटेगरी के ऊपर चाहिए, तो मैं उस कैटेगरी में वीडियो बनाऊंगा। और वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक शेयर जरूर कीजिए, ठीक है? तो थैंक यू फ्रेंड्स।